वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 21, पब्लिक सर्विस फॉर कम्युनिटी लाइफ इन्वायरमेंटल स्टडी इन क्लास 3। बच्चों, हम क्लास 3 में इन्वायरमेंटल स्टडी में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 21, पब्लिक सर्विस फॉर कम्युनिटी लाइफ। जैसे हम जहाँ पे इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो देखो बहुत सारे प्लेसेस होंगे। आपने पुलिस चौकी देखा होगा, आपने टेम्पल देखा होगा, आपने सिनेमा हॉल देखा होगा, आपने पब्लिक टॉयलेट देखा होगा, स्विमिंग पूल, आपने रोडवे ट्रांसपोर्ट देखा होगा, ये वाटर टैंक देखा होगा। ऐसी ये सब सारी चीज़ें हमारी पब्लिक सर्विस है कि जो हमें पब्लिक सर्विस के लिए दी जाती है। पब्लिक फैसिलिटी एंड एमेनिटीज से आपने देखा होगा, जैसे हमारी जो पुलिस चौकी है, अगर हम पुलिस चौकी क्यों जाते हैं, अगर हमारे एरिया में कोई फ्रॉड हुआ हो या चोरी हुई हो या कोई क्राइम हुआ हो तो हम पुलिस चौकी जाते हैं, या हमारी कोई चोरी हुई हो तो। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर हमें कोई इंजेक्शन लेना हो या वैक्सीन लेना है, हमें ट्रीटमेंट कराना है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे वाटर टैंक, जहाँ पे हमारे बिल्डिंग में हमारे होम टाउन सिटी में हमें वाटर सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप बस देख सकते हो, ये पब्लिक सर्विस के लिए, जहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रायल करते हैं। जैसे हमें जो ऑफिस जाना है तो हम बाई बस जाते हैं। ये हमारा थिएटर है, जहाँ पे हम मूवीज़ देखते हैं। हम जो भी मूवीज़ आती है, हम उस मज़े से हम थिएटर में इंजॉय करते हैं। तो ये हमारी पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक टॉयलेट। जैसे आपके आजकल स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन के पास, ऐसे पब्लिक एरिया में भी टॉयलेट बना, जहाँ पे मेल फीमेल के लिए टॉयलेट बनाया गया है। स्विमिंग पूल जहाँ पे बनाया गया कि यहाँ पे लोग स्विमिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ है। कैन यू टेल विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर अबव, मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी अमेनिटी एंड एमेनिटीज, मेंशन द बेनिफिट ऑफ इस। अभी आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको दिखने की पब्लिक फैसिलिटी के लिए क्या क्या इस्तेमाल है। जैसे सिनेमा हॉल देखा आपने, पुलिस चौकी देखा और हॉस्पिटल देखा, जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। व्हाट डिफिकल्टी वुड वी फेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस फैसिलिटीज, अगर ये फैसिलिटीज ना रहे तो हमें क्या किन किन चीज़ों का सामना करना होगा। अगर हमारे एरिया में क्राइम हुआ हो, चोरी हो या कोई फ्रॉड काम हुआ हो तो हम कैसे पुलिस की मदद लेंगे। अगर हम बीमार हैं तो हम कैसे हॉस्पिटल जाएंगे। अगर हमें इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखना है तो हम कैसे सिनेमा जाएंगे, थिएटर कैसे जाएंगे। इन अ होम वी लिव विथ आवर फैमिली, आवर लाइफ आउटसाइड द होम इज़ आवर पब्लिक लाइफ। जैसे हमने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहते, मम्मी डैडी भाई बहन के साथ रहते, लेकिन हम जब बाहर जाते काम के लिए तो हमारी जो बाहर की लाइफ क्या बन जाती है, एक पब्लिक लाइफ बन जाती है, जहाँ पे हमें बहुत सारे अननोन लोग हमसे मिलते हैं। सर्वल सर्विस आर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक लाइफ टू गो ऑन स्मूथली, मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटी भी लोगों के लिए हम दी जाती है जो लोगों के लिए फ़ायदे हो। जैसे हम बस बनाते हैं लोगों के लिए, ट्रेन बनाते हैं, पब्लिक टॉयलेट बनाए हमने, पार्क बनाए जहाँ पे लोगों के लिए फ़ायदे हो। पब्लिक फैसिलिटी आर दो सर्विस विच आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, मतलब ऐसी पब्लिक फैसिलिटी हम लोगों के लिए बनाते जो लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। जैसे हमने पार्क बनाया है, हमने पुलिस चौकी बनाया है, हॉस्पिटल बनाया है, जो लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। यू यूज सर्वल सच सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड हॉस्पिटल, जैसे हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते, स्कूल हॉस्पिटल हम पब्लिक सर्विस के लिए बनाए, जहाँ पे लोग अच्छे से एजुकेशन हासिल करें। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट बनाया कि लोग बस से अच्छी तरह से ट्रैवल कर सके, ट्रेन से ट्रैवल कर सके, हॉस्पिटल जहाँ पे जो पुअर पीपल है उनका भी ट्रीटमेंट हो जाए, अमीर गरीब सबका इलाज हो। पब्लिक सर्विस आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल एंड आर मेड फॉर एवरीबडी, यू मस्ट यूज देम रेस्पॉन्सिबली, मतलब पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया है कि हॉस्पिटल हो गया, पुलिस चौकी हो गया, पार्क हो गया, पब्लिक टॉयलेट हो गया, ये लोगों के बेनिफिट के लिए दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सर्विस, वी लिव इन सिटी और विलेज, जैसे हम शहर में भी रहते हैं और गांव में भी रहते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ लार्ज वेरियस विलेज, जैसे सिटीज़ की जो पॉपुलेशन रहती है ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू विलेज। इट इज़ क्वाइट स्मॉल इन सिटीज़, देयर फैक्ट्रीज मार्केट एंड ग्रेट चांसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम सिटीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मार्केट, बड़े बड़े बिग मॉल, स्कूल, कॉलेज हमें दिखने को मिलती है। सिटीज़ है पब्लिक सर्विस ऑन लार्ज स्केल, मतलब सिटीज़ में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बहुत डेवलप हो रहे हैं, कि बहुत लार्ज स्केल में काम करते हैं।
the administration of a place be it a city or village is run by government in that place it is known as longer government मतलब जो भी सिटी विलेज वगैरह विलेज वगैरह में काम होता है तो उनकी जो एक गवर्नमेंट की सर्विस दी जाती है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए ऐसे बहुत सारी पार्टीज हो गई बीजेपी कांग्रेस जो जो जैसे आपने नेता लोग को देखा होगा जो अपनी अपनी अपना अपना काम करते हैं ग्राम पंचायत रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज जैसे ग्राम पंचायत एक मीटिंग रखी जाती जहाँ पे काम होता है म्युनिसिपैलिटी रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टाउन एंड फॉर बिग सिटी दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच ऑफ दिस ग्रोइंग गवर्निंग बॉडी ऑपरेट इन योर सिटी टाउन विलेज जैसे म्युनिसिपैलिटी जो रहती है जो सर्विस देती है जैसे हेल्थ से भी लेके और हेल्थ से रिलेटेड भी लेके हो गया हेल्थ से भी रिलेटेड हो गया एजुकेशन से रिलेटेड भी हो गया तो वो एक कॉर्पोरेशन रहती है जो हमें फुलफिल हमें सपोर्ट करती है विच ऑफ दिस गवर्निंग बॉडी ऑपरेट इन योर सिटी टाउन विलेज जैसे हमारी एक सिटी का हमारे एरिए का एक MLA होता है एक नेता होता है जो हमारे एरिए की पूरी बराबर वो पूरी पूरी देखभाल करता है डू यू नो ईच विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत मतलब हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है एक मीटिंग होती है मास्टर स्टेट वॉज फॉर्म फर्स्ट मई 1960 मतलब हमारा महाराष्ट्र डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट मई 1960 से हम सेलिब्रेट करने लगे एट दैट टाइम महाराष्ट्र हैड 21,636 ग्राम पंचायत डेट फिगर रोज टू 27,939 इन 2010 मतलब हमारी जो ग्राम पंचायत होने लगी मीटिंग होने लगी हम लोगों के आइडियाज लेने लगे हमें हमारी सिटी में किन किन चीज़ों की कमी है हमारी टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत द पॉपुलेशन ऑफ विलेज मस्ट बी एटलीस्ट 500 मतलब जब ग्राम पंचायत होती तो लोगों की पॉपुलेशन कितनी होती थी 500 लोग जमा होते थे उस मीटिंग को सुनते थे कि हमारे जो नेता है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 2-3 सच विलेज मैं टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप फॉर्म पंचायत मतलब उस मीटिंग में रखा जाता था कि हमें हमारे सिटीज में विलेज में और टाउन्स में किन किन चीज़ों की कमी है हमें किन किन पर चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ योर सर्विस ऑफर बाय योर लोकल गवर्नमेंट मतलब आपको ये लिस्ट बनानी कि आपको गवर्नमेंट से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं अ गर्ल विजिटिंग टू अ बैंक विद हर फादर जैसे हमें बैंक की सर्विसिंग दी जाती है रीडिंग ऑन इनलैंड लेटर जैसे वो लेटर रीड कर रही है और आपने देखा होगा एक डायरी है जहाँ पे मिल्क सप्लाई किया जा रहा है तो ये लोकल सर्विस है कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल एक मिल है जहाँ पे काम हो रहा है कैन यू टेल द पिक्चर्स अबाउट शो द सर्विस अवेलेबल इन विलेज विच अदर सर्विस आर अवेलेबल इन योर प्लेस जैसे आपने देखा होगा जो विलेज में सब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है बैंक होता है और यहाँ पे गर्ल जो लेटर रीड कर रही है एक मिल है जहाँ पे काम हो रहा है एक डायरी जहाँ पे मिल्क सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आपके प्लेस में आपने किस किस चीज़ की फैसिलिटी देखी होगी जैसे आपने स्कूल देखा होगा और आपने पुलिस चौकी देखा होगा आपने गार्डन देखा होगा पार्क देखा होगा और आपने पब्लिक टॉयलेट देखा होगा जहाँ पे लोगों को फुल फैसिलिटी दी जाती है जहाँ पे हॉस्पिटल देखा होगा स्कूल देखा होगा जहाँ पे लोगों को एजुकेशन दी जाती है लोगों का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया मरीजों का इलाज किया जाता है हॉस्पिटल में और बहुत से बच्चों को गर्ल्स एंड बॉयज़ को एजुकेशन दी जा रही है पब्लिक सर्विस आर प्रोवाइडेड टू अस ऑफ आउट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम अस सेक्टर्स मतलब पब्लिक सर्विस देने से हमें क्या फ़ायदा रहता है कि हमारा जो टैक्सेस है वो ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है यू मस्ट यूज़ देम केयरफुली समटाइम पब्लिक सर्विस आर ओवर बर्डन बट वी कैन सॉल्व दिस क्राइसिस बाय वर्किंग टुगेदर कभी कभी हमारी पब्लिक सर्विस ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाती है तो हम इसे सॉल्व करते हैं इसे मिलजुल के काम करते हैं जैसे टेम्पल आपने देखा होगा जहाँ पे लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं जो भी कास्ट के चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो द लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड द सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हाइजीन मतलब हमें वाटर भी सप्लाई दी जा रही है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें वाटर मिल रहा है बट वी नीड मैनी मोर सर्विस यू मस्ट हैड सीन अ बैंक इन योर सिटी विलेज पीपल पुट देयर मनी इन टू अ बैंक द मनी इज कैप्ट सेव देयर पीपल कैन सेव देम दिस मनी दे कैन विदड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बैंक वैन दे नीडेड बैंक ऑल्सो ऑफर लोन टू पीपल इन नीड अभी आपने यहाँ पे आपने देखा होगा आपके टाउन सिटी विलेज में गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटी दी है जैसे आपके विलेज में एक बैंक होगा जहाँ पे लोग अपना जो भी उन्हें पैसा मिलता होगा वहाँ वो अपने बैंक में सारा पैसा डिपॉजिट करते जमा करते होंगे मतलब वहाँ पे वो बैंक में उनका पैसा सेफ रहता है क्योंकि वो अगर वो विड्रॉ भी करना चाहे तो देखो आपके मम्मी डैडी के पास देखो कार्ड होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड होगा जब भी उन्हें विड्रॉ करना होता होगा तो वो ATM कार्ड से वो विड्रॉ कर सकते हैं बैंक में भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन आजकल देखो हमारे मोबाइल में देखो एक ऐसा एप्लीकेशन भी आ गया गूगल पे फ़ोन पे जहाँ पे हम मनी विड्रॉ करते
और यहाँ पे कभी कभी अगर हम बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं तो बैंक हमें लोन की भी ऑफर देती है अगर हमें ज़रूरत होती है। द पोस्टल सर्विस इज़ यूजफुल फॉर कीपिंग इन टच विद अवर फ्रेंड रिलेटिव। लेटर्स कैन बी सेंड टू मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पोस्टल सर्विस भी दी जाती है, जैसे पोस्टमैन जो रहते हैं हमें लेटर्स को हम एक सिटी से दूसरी सिटी हम सेंड करते हैं, जहाँ पे लेटर्स सेंड करने की हमें फैसिलिटी भी दी गई है। हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, हम जैसे आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स अब्रॉड में हैं या टाउन में हैं सिटी में हैं, हम सेंड करना चाहते हैं तो हम सेंड कर लेते हैं। द पीपल इन आवर लोकेलिटी समटाइम कम टूगेदर, फाइंड आउट वट द लोकल नीड्स आर, बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग दे डिसाइड टू स्टार्ट इंडस्ट्री सर्विस इन कॉपरेशन विद अनदर। कभी कभी हमारे कुछ ऐसे पब्लिक भी रहते हैं जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम अपना इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे लोगों को सर्विसिंग दें। दे कंट्रीब्यूट सम ऑफ देयर ओन मनी टू स्टार्ट देयर दैट इंडस्ट्री और सर्विस। द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग एनी वन इंस्टीट्यूशन फॉर्म बाय द पीपल्स कॉपरेशन और पॉवर कॉपरेटिव। जैसे आजकल हमारा जो ट्रस्ट सिस्टम भी आ गया, जिसे पुअर लोगों की जो वाकई हेल्पलेस है, जो वाकई एबनॉर्मल है, ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। Do you know, almost 400 years ago, a postal service was run in Golconda as follow. मतलब यहाँ पे 400 साल पहले यहाँ पे postal service की जाती थी। There was small huts interval of every 2-3 miles in the first hut. There was a haraka. Haraka means a man who carried the post. The first haraka took the post back from the first hut एंड ड्रॉप इट इन द सेकेंड हट। मतलब पुराने ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, जैसे 400 साल पहले एक छोटा सा हट रहता था, वहाँ पे हम एक मैन जाता था, एक पोस्टमैन जाता था, वहाँ पे एक लेटर देता था, फिर वहाँ पे सेकेंड मैन जाता था, मतलब उस हट तक जाता था, मतलब उसे कितना वक्त लगता था। जैसे आजकल की हमारी जो टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई, हम ईमेल कर देते, व्हाट्सअप कर देते, हम कॉल कर देते, टेलीफोन हो गया है कि जहाँ से हमारा जो मैसेज है आसानी से लोगों तक पहुँच जाता है। द सेकेंड हरकटा हरकटा स्टूड रेडी टू टेक द बैग, ही टुक द बैग एंड रेन टू द थर्ड हट एंड ड्रॉप इट इन। दिस इज हाउ द पोस्ट वॉज कैरीड टू द अदर प्लेस। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड डार्क सिस्टम। मतलब कितनी मेहनत से हमारा जो लेटर था पोस्ट होता था, कि लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वॉट इज द सोल्यूशन, वॉट इज वेस्टेड वेन टैप डू नॉट है फॉसेट। मतलब हम अगर हमारा हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि हमारा जो पानी है पूरा वेस्ट हो जा रहा है अगर हम हमारे एरिए में नल नहीं है। चिल्ड्रन काउंसिल इन अ स्कूल इन भैरतवाड़ी इन अकोला डिस्ट्रिक्ट कैरिड आउट अ प्रोजेक्ट। दे स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन द इशू ऑफ हाउ टू सेव वाटर। सम चिल्ड्रन पॉइंटेड आउट द वाटर इन द विलेज वॉज वेस्टेड बिकॉज द ट्रैप्स डिड नॉट हैव फॉसेट। मतलब यहाँ पे हमारे विलेज में कुछ बच्चों ने कंप्लेन की कि हमारे गांव का पानी काफ़ी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नल है, हमारे गांव का नल है, वो जल्दी बंद नहीं होता जल्दी। द चिल्ड्रन फाउंड आउट हूज रेस्पॉन्सिबिलिटी इट वाज टू पुट फॉसेट ऑन द टैप्स। मतलब इसके जिम्मेदार कौन है कि हमारा जो नल है वो बराबर से क्लोज नहीं होता, जिससे हमारा जो वाटर है काफ़ी वेस्ट हो जाता है। देन इट वाज टू अर्ज द ग्राम पंचायत फिक्स फॉसेट ऑन द टैप्स। इसीलिए हमें एक मीटिंग बैठाई गई, ग्राम पंचायत बैठाई गई, कि हमें इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकालना होगा कि हमारे जो विलेज का है जो पानी है ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। दे रोट अ लेटर टू द ग्राम पंचायत कंसर्निंग दिस इशू। फ्यू डेज लेटर दे ऑल्सो सेंड अ रिमाइंडर, अ फ्यू डेज आफ्टर दैट फॉसेट वर फिक्स ऑन द टैप। दिस इज हाउ द चिल्ड्रन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हमारे विलेज में जो टैप में हमें एक टैप के नल को बराबर से फिक्स किया जाए, जिससे हमारा जो टैप है अच्छी तरह से क्लोज है, जिससे हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा क्वान्टिटी में सेव हो सके। तो यहाँ पे बच्चों ने मतलब वो ग्राम पंचायत के लिए एक लेटर लिखा है कि ग्राम पंचायत हमारे इस विलेज का जो प्रॉब्लम, विलेज में जो वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है कि ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारा वाटर वेस्ट हो रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। हाउ विल यू सॉल्व वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, कि आप कैसे वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। जैसे आपकी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा, तो आप अपने एरिए को चेयरपर्सन को लेटर लिखोगे कि हमें ये कंप्लेंट है। व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या क्या सीखा। पब्लिक फैसिलिटी या सर्विस डेट आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। मतलब पब्लिक फैसिलिटी सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक चौकी, पुलिस चौकी हो गई, गार्डन हो गया, पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल है जो लोगों के लिए फ्री है।
द ग्राम पंचायत रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, मतलब ग्राम पंचायत क्या है, लोगों जो विलेज के एडमिन होते हैं, विलेज में जो भी काम होते हैं उन सबको संभालने का काम की ड्यूटी किसकी होती है, ग्राम पंचायत की होती है। द म्यूनसिपालिटी रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन, मतलब हमारे जो टाउन के जो एडमिन कौन है, म्यूनसिपालिटी जो हमारे टाउन को चलाती है। देयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिग सिटी, यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो हमारे बिग सिटीज में है, बड़े बड़े शहरों में। पब्लिक सर्विस शुड बी यूज केयरफुली, मतलब हमें पब्लिक सर्विस का इस्तेमाल हमें ध्यान से करना होगा। पब्लिक सर्विस शुड बी यूज केयरफुली, मतलब पब्लिक जो है हमारी पुलिस चौकी का इस्तेमाल कर रही है, स्कूल या हॉस्पिटल का इस्तेमाल कर रही है, गार्डन पार्क वाटर पानी का किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करी तो उसका हमें, बैंक का इस्तेमाल करी तो हमें बराबर उसका केयरिंग करनी होगी। मनी इज कैप्ट सेफ इन द बैंक, मतलब हमारा हम कहाँ पे हम सेफ फील करते कि हमारा जो पैसा है सारा बैंक में। वी कैन सेंड लेटर एनी वेयर इन द वर्ल्ड, हम सारा लेटर्स हम कहीं पे भी हम भेज सकते बाय लेटर्स हम बाय थ्रू वाया कुरियर बाय पोस्टमैन अंकल के थ्रू हम सारी जिस भी हम सिटीज में टाउन में विलेज में कंट्री में हम लेटर सेंड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर्म बाय द कॉपरेशन ऑफ द पीपल आर कॉल्ड कॉपरेटिव, अगर ये सब सारी चीज़ों में लोग कॉपरेट कर रहे तो ये हम इसे क्या मानेंगे, कॉपरेटिव सिस्टम, मतलब लोगों से मिलकर हमारी एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी गाइडलाइन बनती है। तो आई होप आपको ये मेरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।